एक बंदा अपने रब के सामने अपने कदम को नहीं हटा सकेगा, वहां से हिल नहीं सकेगा, यहां तक कि उससे पांच चीजों के बारे में सवाल न किए जाए और उसका जवाब न दे दे। पहला सवाल अन उमर इन फीमा अफना, उमर के बारे में कि किधर लगाई, किधर फना की उमर, वक्त, उमर से मुराद वक्त है कि अल्लाह ने आपको वक्त दिया। हम समझते हैं कि शायद इन चीजों के बारे में सवाल नहीं होगा, खुदा की कसम एक पानी का जो आप घूंट पी रहे हैं ना और आपको उससे राहत और खुशी और इत्मीनान मिल रही है, कयामत के दिन अल्लाह ने इसके बारे में भी आपसे सवाल करना है। थुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अन्निय्यम, कयामत के दिन फिर तुमसे जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उसके बारे में सवाल होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा निकले, हजरत अबू बकर भी थे साथ, हजरत उमर भी थे, आपके सहाबा थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पेट में दर्द हो रही थी भूख से। आप एक सहाबी के पास गए, वहाँ पे जाके सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया, कुछ खजूरें पेश की, साथ पानी पेश किया आपको। हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि हमने वो जब पानी पिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन ये जो ये तुम जो पानी पी रहे हो क़यामत के दिन, इस पानी के बारे में तुमसे सवाल होगा। तो हजरत उमर बिन खत्ताब थे, कहते इसके बारे में भी सवाल होगा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा इसके बारे में भी सवाल होगा। ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, फिर आपने ये आयत पढ़ी। वक्त और उमर जो हमें अल्लाह ने दी है, कई लोगों को उम्र नहीं मिली। अगर आपको अल्लाह ने मोहलत दी है, आप पर अल्लाह का ज्यादा एहसान है, अगर अल्लाह ने आपको 50 साल की जिंदगी दी है उसकी निस्बत जिसको अल्लाह ने 30 साल की जिंदगी दी है, आपके पास 20 साल ज्यादा थे, आप उससे बहुत आगे जा सकते थे, मेहनत करके अल्लाह को राजी करके, ऐसे अमाल करके जो उससे बहुत बेहतर थे। एक एक नेमत के बारे में, जिस बंदे को अल्लाह ने इंटेलिजेंस दी है उससे उसकी इंटेलिजेंस के बारे में सवाल होगा कि तुम्हें वो मैंने इंटेलिजेंस दी थी जो उसको नहीं दी थी, तुम बताओ उसके साथ क्या किया। और दूसरी चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन लोगों को अल्लाह ने जवानी की उम्र दी है, शबाब के बारे में स्पेसिफिकली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला सवाल पूछेंगे कि तुम्हें जवानी भी दी थी, तुम्हारे पास वो कुव्वतें थी, तुम्हारे पास वो ताकतें थी। जब इंसान नौजवान होता है, इंसान के पास वक्त भी होता है और इंसान के पास हिम्मतें भी होती हैं, हौसला भी होता है, दुनिया को फेस करने के लिए एस्पिरेशंस भी बहुत ज्यादा होती हैं। अल्लाह कहते हैं आसमान और जमीन ए इंसान तुम्हारे लिए बनाई है। इंसान को किसके लिए बनाया अल्लाह ने? अपने लिए। तमाम मखलूकात को अल्लाह ने किसके लिए मुयस्सर कर दिया? इंसानों के लिए। लेकिन इंसान का पर्पस क्या है कि हमने अल्लाह को राजी करना तुमने। वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसीलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। आपसे आपके इंटेलेक्ट के बारे में सवाल होगा, आपको अगर अल्लाह ने कुछ स्पेशल रिसोर्सेज दिए हैं उनके बारे में सवाल होगा, जो दूसरों को नहीं दिए एक एक चीज के बारे में सवाल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल के बारे में सवाल होगा, और माल के बारे में दो सवाल होंगे जनाब, मिन अयन इक्तसबहु व फीमा अनफका, कहां से लिया और कहां पे खर्च किया, और पांचवा सवाल वअन इल्मिन फीमा अमल, वो इल्म के बारे में सवाल होगा कि उस पे अमल कितना किया। जहां पे अल्लाह ताला अहले इल्म को वैल्यू और ऑनर करते हैं वहां पे उनकी पकड़ भी सख्त है भाई। कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और जो नहीं रखते वो बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं बराबर। एक बंदे के लिए सबसे बड़ी कामयाबी की बात यह है कि दुनिया से जब वो रुखसत हो तो उसको ये एहसास गालिब कि मैंने दुनिया के अंदर कुछ हासिल कर ली, और यही सबसे बड़ी सक्सेस है। فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار।